इतना मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने खुद उन बच्चों को यहाँ देखा था। पहले जो बच्चा आया था उसके हाथ में गुब्बारा था, वो मैं उसको ही पकड़ी थी कि दूसरी तरफ और बच्चे थे। मैंने जैसे दोबारा मुड़ के देखा, वहाँ कोई बच्चा नहीं था। कौन से गुब्बारे गायब हो गए? क्या बातें कर रही हो तुम? अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे भी महसूस होता, मैं भी तो था वहाँ पे तुम्हारे साथ। एहसन, आपके आपके घर में भी मैंने उस गैबी वजूद को मैं महसूस किया। मुझे लगता है वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई है। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मेरे साथ यहाँ रहना नहीं चाहती? हाँ बोल दो ना, क्योंकि तुम्हारा वजूद तो मेरे साथ है लेकिन तुम्हारा दिल और दिमाग तो कहीं और है। इसलिए मनगढ़ंत कहानी है तुम्हारी, जिसका अक्स तुम्हें हर जगह दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं, तुम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं कि मैं झूठ नहीं बोल रही? व्हाट रबिश, कोई सच नहीं बोल रही हो तुम, बकवास करे जा रही हो कब से। तुम्हारे दिमाग का ना फतूर है जो तुम्हारे साथ साथ यहाँ है, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि हसन के ये पता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आया था? इसलिए कि तुम्हें खुश देख सकूं, तुम्हारे चेहरे पे वो मुस्कुराहट देख सकूं जो मैं काफी दिनों से देखना चाह रहा हूं। लेकिन तुम्हारा दिल और दिमाग कहीं और ही है, तुम हो ही नहीं यहां पे। और अगर तुम्हें नहीं रहना मेरे साथ तो साफ साफ कह दो, चले जाते ना वापस। ये मनगढ़ंत कहानियां तो नहीं बनाओ ना तुम। इतना खौफ और बेसुकूनी है मेरे दिल में, अगर फिरोज जब तुम मेरे करीब होते हो तो जैसे मैं सबको भूल जाती हूँ। क्यों इतने अपने अपने से लगते हो तुम मुझे? दिल चाहता है कि अपनी सारी परेशानियां तुमसे शेयर करूं। तो बताओ क्या शेयर करना चाहते हो? फिरोज तुम मेरा जहन कैसे पढ़ लेते हो? जहन नहीं पढ़ लेता, तुम्हारे दिल से निकली आवाज सुन लेता। बस यही कहूंगी तुम बहुत अजीब हो। तुम ये क्यों नहीं कहती कि फिरोज तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो? तो एक बात बताओ, तुमसे ये किसने कहा है कि जुमलों को जुबान की जरूरत होती? मोहब्बत तो रोशनी की तरह सराहियत कर जाती, और मोहब्बत अल्फाज जुमलों की मोहताज नहीं है।